हेलो दोस्तों, एग्जाम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। कृषि और पशुपालन। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उस समय पशुपालन और कृषि था। ज़्यादा पालतू पशु रखने वाले गोमत कहलाते थे। चारागाह के लिए उत्तेती या गव्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है। दूरी को गौयुति, पुत्री को दुहिता, गाय धोने वाली तथा युद्धों के लिए गविष्टि का प्रयोग होता था। राजा को जनता स्वेच्छा से बाघ नजराना देती थी, यानी कि राजा को जो कर मिलता था वो जनता अपनी इच्छा से देती थी। आवास घास फूस एवं काष्ट निर्मित होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुशीद कहा जाता था। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख साधन थे। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम एवं दसवें मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की गहराई आदि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में केवल यव यानी जो नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। प्रवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे गोमूत, गेहूँ, ब्रीही, चावल आदि की चर्चा की गई है। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का, अथर्वेद में वर्षा, कुप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल का सिर के नाम से उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। पशुओं का चारण ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। गाय ही विनिमय का मुख्य साधन थी। ऋग्वेदिक कालीन में भूमिदान या व्यक्तिगत भूस्वामित्व की धारणा विकसित नहीं हुई थी। व्यापार। आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। समाज का एक वर्ग पाणी व्यापार किया करते थे। राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से बाग या नजराना उस समय दिया जाता था। पराजित कबीला भी विजयी राजा को भेंट देता था। अपने धन को राजा अपने अन्य साथियों के बीच बांटता था। धातु एवं सिक्के के रूप में। ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु अयस्क, तांबा या फिर कांसा होता था। वे सोना एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। निस्क संबत सोने का आभूषण या मुद्रा था, जो विनिमय के काम में भी आता था। उद्योग की बात करें तो ऋग्वेदिक काल के उद्योग घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु थे। बढ़ई एवं दुकर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चरम कार्य थे। स्त्रियां भी चटाई बनाने का कार्य करती थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की होती थी ऋग्वेद काल के अंदर आर्थिक व्यवस्था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।